स्पेस कब बनाता है अपनी जब पुराने वाला किसी काम को कंसीडर नहीं कर रहा होता right. और वो जो नया बंदा है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के करता है विदाउट एनी कैलकुलेशन तो क्योंकि वो कैलकुलेशन होती नहीं है वो आपकी नीयत साफ होती है उस टाइम तब वो बंदा वो काम करके ही मेक हि स्पेस तो दिस इज हाउ एव, एवरी न्यू पर्सन आज मैं भी किसी नई इंडस्ट्री में जाऊंगा हो सकता है कई लोग जिस काम को ना करेंगे मैं तो कर लूंगा वो तो आई थिंक ये ये तभी होता और अगर ये आप थ्रू आउट कैरी कर गए हो ना अगर आप कैलकुलेट देखो करना अंडर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो फर्स्ट स्टेप के बाद अब बैक स्टेप कोई नहीं आता है hmm. पर मेरे को नहीं होता है दूसरे या तीसरे स्टेप के बाद ना कैलकुलेटर नहीं ऑन करना चाहिए तब भी अपनी जो नियत से जहाँ से शुरू हुए थे ना अगर आपकी वो बर्क चल रही है ना माइंड में काम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है कैलकुलेशन से देन यू आर ऑलवेज ग्रोइंग आई थिंक या प्रियंका हाँ आई थिंक फॉर मी मुझे भी अगेन मुझे काम से बेतहाँ प्यार है यार, मुझे आई एम लाइक टू मच कमिटेड टू माई वर्क और काम के लिए मतलब What was your question? Sorry. so, mera, <laughs> mera, actually, मैं भी भूल गया था. <laughs> That is what. इनका इतना deep answer था. क्योंकि इन्होंने हाँ. मेरा <laughs> सवाल ये था कि हम लोग जब एक चीज चाहते हैं वो चीज दूर भागती है. Right. मतलब हम लोग काम पे focus करते हैं. तो जो चीज आपे चाहिए वो खुद से आप आपके पास आती है. Okay, तो मेरे केस में ये थोड़ा सा अलग हुआ था. मैं भी पता शायद से. मैंने जब काम छोड़ � एक्टिंग जब छोड़कर मैं चली गई थी वापस hmm. मुझे उसके एक महीने बाद में मिला तो आई थिंक जो मैंने उस टाइम पर हार्ड वर्क किया था उस टाइम पे आई थिंक ही वॉज देयर सींग इट कि हाँ लड़की ने हार्ड वर्क किया लास्ट मिनट पे गिव अप नहीं करना चाहिए और मुझे प्रोजेक्ट मिल गया था उडारिया hmm. hmm. देन उडारिया हैपन तो जब मैंने छोड़ दिया था हार के तब मुझे मिला लेकिन नाव इफ यू आस्क मी नाव अबाउट दिस मैं बोलूँगी कि गिव अप कभी मत करो नेवर गिव अप चलते रहो आज नहीं तो कल इफ यू आर वर्किंग हार्ड आज नहीं तो कल उसको आपका आपको उसका फल मिलेगा पाजी आपके घर पे कोई भी ऐसी चादर या आपके घर पे कोई ऐसी है जो आपके दादी ने नानी ने सिल के हाथ से सिली हो कोई भी ऐसा कपड़ा

मेरे को यूँ लगता है कि आप बस लोग अपने साथ जोड़ते रहो आपके एटीट्यूड में कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आपसे कोई टूटे right, तो right. वो प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर हो सकता है जो आपने हाँ. बात बोली कि मैंने गिवअप कर दिया तो hmm. क्या होता है प्रोसेस जरूर right. स्लो चल रहा है बट वो आप उसको इतना स्ट्रांग बनाते हुए जा रहे हो ना कि उसका जो कंक्रीट का लेंटर होगा ना वो शायद आजकल जो टीएमटी आता है उससे बेटर हो सकता है तो ठीक है पेशेंस जरूरी है चाहिए आप अपनी तरफ से सबसे है। दूसरी एक और मेरे को चीज लगती है आपके मॉम डैड अलग है मेरे मम्मी पापा अलग हैं इनके मम्मी पापा अलग हैं अपनी शक्लें अलग है फिर अपनी किस्मत किसी के जैसी कैसे हो सकती है ना हमारी जर्नी भी तो अलग है ना तो फिर लोग डिप्रेस होते हैं अपना सबसे पहले तो वो बंद करना